इस महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित सभी को श्रीलंका की तरफ से मैं मेरा आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे पहले इस कार्य पर हमारे देवेंद्र चौबे सर ने बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे और अंत में तो काम हो गया। तो इतिहास के बारे में ये तो उनकी अवधारणा जो है वो इतिहास से संबंधित अवधारणा, तो हम समझते हैं कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो राष्ट्र का इतिहास एकदम नहीं बनता, वो गांवों के इतिहास से ही राष्ट्र का इतिहास बन जाता है, तो साबित हो जाता है। तो हम भी ये मानते हैं, तो इतिहास की रचना ऐसी होनी चाहिए। गणपत जी, मेरी आवाज ठीक तरह आ रही है क्या? जी आ रही है, आ रही। और मेरा प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं? जी जी। ओके, थैंक यू। पहला कुमार नयन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान 7 अगस्त 2021। मैंने इसके लिए शीर्षक रखा शूर सरदील अप्पू ब्रितानी साम्राज्यवादी शासन काल का एक सिंहली लोकवीर ईस्वी 1832 से 1834 तक। ये यहाँ पे ये शूर रख दिया, ये शूर माने, ये हिंदी वो संस्कृत में भी आता है ये शब्द शूर, शूर माने वीर, शूर वीर कहते हैं। शूर सरदील अप्पू जनता माने साधारण जनता, इस तरह इनके नाम के आगे एक विशेषण रख दिया, इसलिए मैंने भी उस विशेषण को यहाँ रख दिया। इतिहास मानव शिष्टाचार के अतीत का खजाना कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, जिसमें अधिकतर राजश्रुति ही उपलब्ध है, साथ साथ जनश्रुति अत्यंत कम, फिर भी इनके उत्तरदायी मानव ही होते हैं। किसी समाज के ऊपरी सतह पर जीने वाले लोगों को प्रमुख स्थान अवश्य मिल जाता है, जैसे किसी समतल भूमि पर जो पहाड़ खड़ा हो जाता है जिसे दूर दूर तक अवश्य दिखाई देता है। निम्न सतह पर जीने वाले लोगों को निम्न स्थान ही मिल जाता है, जो स्वाभाविक है, जैसे सतही भूमि पर उपलब्ध घास की तरह। राजश्रुति भी एक तरह का इतिहास क्यों न होता, जबकि जनश्रुति मानवों का अत्यंत सही यानी निर्मल इतिहास तो होता ही है। अतः गांव के इतिहास पर यानी जनश्रुति और ध्यान देने से संबंधित राष्ट्र के इतिहास को अधिक न्याय दिलाने का अवसर मिल ही जाएगा। देखिए फोन करिए, वो किसी का माइक्रोफोन ऑन है, वो आवाज आती रहती है, सॉरी। अतः गांव के इतिहास पर यानी जनश्रुति की ओर ध्यान देने से संबंधित राष्ट्र के इतिहास को अधिक न्याय दिलाने का अवसर मिल ही जाएगा। ये यहाँ मैंने एक तस्वीर लगाई, ये है सरदील अप्पू नामक वो लोकवीर, तो माने वो फांसी दिलाने के कुछ दिन पहले ये तस्वीर ली गई थी।
उतुवन नामक गांव कोलंब नगर से नुवर यानी कैंडी नगर तक जाने वाले महामार्ग के 93-94 किलोमीटर पत्थरों के बीच मावनेल नामक नगर के आसपास स्थित है। मैंने यहाँ पर ये अंग्रेजी में भी फोनेटिक्स में लिखा क्योंकि ये उतुवन मैं ऐसा लिख रहा हूँ और इसके इसके अंडरलाइन भी व और न के बीच अंडरलाइन लगाया क्योंकि ये उतुवन नहीं होता जैसे हिंदी में होता है उच्चारण, ये उतुवन सिंहल में, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन रखा, लकीर मैंने रखी तो अ शब्द के लिए, संवर्त अ के लिए। और कोलंब भी मैंने लिखाया, वो लोग ज़्यादातर कोलंबो कहते हैं, ये अंग्रेज़ों का नाम है लेकिन इसका सिंहली नाम कोलंब है, इसलिए यहाँ रखा। और नुवर, नुवर के लिए लोग अंग्रेजी लोग कैंडी कहते हैं, शायद आप भी जानते होंगे, इससे पहले सुन लिए होंगे। नगर से नुवर यानी कैंडी नगर तक जाने वाले महामार्ग के 93-94 किलोमीटर पत्थरों के बीच मावनेल मावनेल नामक नगर के आसपास स्थित है। इस गांव में 4010 फुट ऊंचा एक उत्तुंग पहाड़ होता है। आप देखिए इस मैप में, गूगल मैप में यहाँ कोलंबू से लेकर उतुवंखंड तक रास्ता यही दिखता है, आप देख सकते हैं। और पहले उसे उकुनुगल कहा गया था। ये 4010 फुट ऊंचा एक उत्तुंग पहाड़ जो है यही है उसका शिखर, ये है। पहले इसे उकुनुगल कहा गया था। यह नाम इसलिए प्रसिद्ध रहा कि माँ द्वारा अपनी बेटी के सर से जू निकालने जाने का दृश्य इससे निरूपित होता है। लोग ऐसा सोचते हैं जो जमीन पे रहने वाले, नीचे रहने वाले। अब देखिए वो इसका वो माने इस तरह से वो दूसरा दो तस्वीर है, इससे भी दो लोग बैठे हुए दिखते हैं। उतुवन गांव में यह पहाड़ होने के कारण बाद में इसे उतुवंग कंद कहा जाने लगा। सिंहल भाषा में कंद का मतलब पहाड़ है, कंद का मतलब पहाड़ है, उतुवन कंद। कोलंब नगर से नुवर तक जाने का महामार्ग इस गांव के बीच से होकर चलता था, आज भी ऐसा चलता रहता है। अनेक प्रदेशों के व्यापारी लोग बैलगाड़ियों के सहारे नुवर नगर की तरफ इस महामार्ग से जाते रहे। इस गांव में भी एक आराम करने की जगह बनी थी और साथ साथ यात्रियों के लिए खाने पीने और रहन सहन की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। वहां एक पिचोहामी नामक एक बौद्ध युवती भी काम करती रही। उत्तर पश्चिम श्रीलंका के हलावत प्रदेश से नुवर जा रहे एक ईसाई व्यापारी का पुत्र अदिसि अप्पू के साथ पिचोहामी का विवाह हो गया। उन दोनों का एक पुत्र हुआ 25 मार्च 1832 में, जिसका पूरा नाम था दीकिरिकेगे सरदियल अप्पू। दीकिरि सिंहली शब्द जो है उसका मतलब है दीकिरि माने दही, दही खाने वालों के वंश से आ गए हैं ये इसका सरनेम, उसका उसके वंश परंपरा का नाम दीकिरि कहगे सरदियल अप्पू। अब इस तस्वीर से आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में ये सरदियल का बचपना यहाँ दिखता है। ये पूरे मानव कदों के रूप में एक ये सब मूर्तियाँ अब बनाई गई हैं उतुवंखंड ग्राम में। आज ये वहाँ की एक तस्वीर है, उनकी माँ पिचोहामी और सरदियल
की तस्वीर है, ये उनकी मूर्तियां हैं। सरदियल अप्पू की प्राथमिक शिक्षा गांव के अन्य बच्चों की तरह गांव के बुद्ध मंदिर में ही होने लगा। तो श्रीलंका के गांव में ज्यादातर प्राथमिक शिक्षा बौद्ध मंदिर में ही दी जाती है, मिल जाती है। वो यहाँ रेत पर अक्षर लिखते हैं, रेत पर अक्षर लिखे के अपने पठन पाठन करते रहते हैं। अपने बचपन में दूसरों के साथ हुए झगड़ों के कारणवश कई बार ग्राम प्रधानों से उसे अनेक दंड भी मिले। तो मैंने एकदम नटखट बच्चा था वो। बाद में सरदियल कोलंबो नगर में स्थित एक मेले सिपाहियों जो ब्रितानी सेना के अधीन काम करते रहे के एक सैनिक शिविर के सेनावास के सेवक के रूप में, यानी अंग्रेजी में बैरक, आर्मी बैरक में सेनावास के सेवक के रूप में काम करने लगा। वहां उसको बंदूकों का अच्छा खासा प्रशिक्षण तो अवश्य मिला। कुछ समय बाद चोरी के मामले में फंस जाने के कारणवश उसे नौकरी से हटाया गया। वो सीधे माँ के गांव यानी उतुअंकंद जाकर एक गिरोह बना लिया और सेनावास से आते समय वह चोरी छिपे कई हथियारों को भी ले आया। अपने गिरोह के साथ उसने बटमार का काम शुरू किया, जिसमें सिरिमला, मम्मले मरिक्कार, किरिहोंदा, उक्किंदा, सामत और नजीरुद्दीन थे। कुछ नाम शायद आप जानते होंगे, नजीरुद्दीन, मम्मले मरिक्कार, उनमें सिंहली, मेले और मुसलमान जाति के लोग थे। ये नजीरुद्दीन और मम्मले मरिक्कार वो मेले और मुसलमान जाति के थे, न कोई तमिल जाति के थे। यहाँ ज्यादातर ब्रितानी संपत्तियों को लूट लिया गया इस गिरोह द्वारा, साथ साथ ब्रितानियों के देशी सहायकों के सामानों को भी लूट लिया गया। एक बार नाटकोटी चेट्टियार नामक व्यापारी को मारकर सामानों को लूट लिया जो भारतीय मूल का था। तो व्यापार करते थे वो श्रेष्ठी माने चेट्टियार, माने ये वहां के उत्तर पश्चिम से आए हुए थे लंका, लेकिन गवाह की कमी के कारण पुलिस हिरासत से उसे मुक्ति मिली। एक बार पुलिस जासूस को छुरी मारने से हिरासत में लिया गया और कोलंबो से 15 किलोमीटर की दूरी पर महर नामक प्रदेश में स्थित कारागार में उसे कैद रखा गया। ये महर नामक कारागार अभी भी है, तो मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आज भी है वो। फिर भी वो वहां से भाग गया। मल्लिगुड नामक वालव यानी धनवान की एक हवेली को लूटकर पुलिस से बचने के लिए वह अपने पिता का गांव यानी हलावत प्रदेश तक भाग गया। फिर भी वहां उसे शरण न मिलने के कारण उतुअंकंद पहाड़ के गुफाओं में उसने गुफाओं में अपने गिरोह के साथ रहने लगा। आप देखिए, ये है महर कारावास का वो कमरा, वो उसको बंद किया गया, बंदी रखा गया था, वो अब भी इसी तरह है। और आप देखिए, ये सुरंग के बारे में मैंने बताया, इस पहाड़ में अनेक सुरंग होने के कारण सभी सुरक्षित रहे, जिनमें से अन्य प्रदेशों तक जाने के लिए भी सुरंग रास्ते बने थे। आप देखिए, ये ऐसे सुरंगों की तस्वीर है, अभी भी ये संरक्षित है सुरंग, वहां के लोग इसे सुरक्षित रखते हैं। अंग्रेजों की राजकीय डाक गाड़ी जो कोलंबो से नुवर तक जाती रही, उसे लूट लिया गया।
उन सभी संपत्तियों को उसने गरीबों के बीच बांट डाला, इसलिए उसका नाम अंग्रेज विरोधी लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। लोगों के बीच में छिपकर जीने का अवसर उसे मिलने लगा। साथ साथ इस प्रदेश के आसपास स्थित अन्य कई जगहों पर रमुक्कन, पोलगावेल, कुरुनैगल लूटमार बढ़ने लगे। औपनिवेशिक शासकों के लिए यह एक सिर दर्द ही बन गया जो असह्य था। प्रशासन कार्य में अनवरत बाधाएं आने लगी। कोलंबो से नुवर तक जाने आने जाने वाले ब्रितानी व्यापारियों को और उनके देशी सहायकों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप संबंधित प्रदेश में एक विशेष पुलिस थाना स्थापित किया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में केवल एक बटमार को पकड़ने हेतु स्थापित किया गया पहला थाना है ये। अंत में ब्रितानी शासकों ने सर्दियल और मम्मले मरिकार के सरों के लिए 150 पाउंड के उपहार देने की घोषणा भी की। उसे पकड़ा जाना अत्यंत संकट का काम बन गया। सैकड़ों लोगों की सहायता के साथ इस गिरोह को पकड़ने के लिए अनेक अभियान चलाए गए, फिर भी वो भाग जाने की कला का पंडित ही रहा। बताया जाता है कि वो वेश बदलने में भी विशेषज्ञ रहा। एकदम बहुरूपिया की याद आती है मुझे। एक बार कुरुनैगल प्रदेश में आयोजित एक फ्रांसीसी नाटक देखने के लिए वो एक महिला के वेश में चला गया था, और एक बार नुवर प्रदेश में सिंहल नए वर्ष के समय में मने सारे समारोह और उत्सव होते रहते हैं, उस समय में सिंहल नए वर्ष के समय में आयोजित एक खेल में पोरपोल खेल माने नारियलों से ये खेल करते रहते हैं, जो नारियलों से खेला जाता है, नव वर्ष के समय में भाग लिया था। और इस उसी दिन संध्या में नाडगम नामक लोक नाटक एक पुलिस वाले के साथ बैठकर देख लिया। और आप देखिए ये कैसे विशेषज्ञ रहे वेश बदलने में। पुलिस वाले के साथ बैठकर एक लोक नाटक देख लिया। साथ साथ पुलिस वाले के बटुए को चुराकर एक पर्ची पर कुछ लिखकर उसमें डालकर उसे वापस नुवर पुलिस थाने तक भेज भी दिया। और एक बार वो महिला के रूप में वेश बदलकर नुवर शहर गया। एक ग्राम प्रधान द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार सर्दियल अनेक रूपों में वेश बदलकर समाज में भटकता रहा, जो वहां जहां तक कि एक बार पुलिस वाले के रूप में भी। यह भी बताया जाता है कि उसके पास एक हिनराज तैल नामक अद्भुत मंत्र बल सहित तेल सहित ताबीज था, जिसके सहारे वो भाग जा सकता था और गोली उस पर नहीं चली, ऐसा बताया जाता है। ऐसी और भी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं उसके बारे में। 21 मार्च 1864 में एक विशेष पुलिस अभियान कार्यान्वित किया गया उसे पकड़ने के लिए। सरदियल का सहायक मम्मले मरिक्कार द्वारा गोली चलाए जाने से पुलिस सिपाही सभान की मृत्यु हो गई। लंका की पुलिस सेना में एक कार्यरत पुलिस वाले की पहली मृत्यु यह मानी जाती है, जो वर्तमान में पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही है ये माने ये पत्थर पर लिखा गया ये विज्ञापन। उस समय के पुलिस महानिरीक्षक माने पुलिस के अधिपति ने ये लगाया था पीसी सभान की याद में। ब्रितानी शासक अनेक उपाय ढूंढने लगे उसको पकड़ने के लिए। लोगों को अनेक चीजों को देते हुए विश्वासघातों यानी दगाबाजों को पैदा करना चाहते थे। समय के चलते चलते सर्दियल के गिरोह का एक आदमी जिसका नाम सिरिमला था,
पुलिस जासूस बन गया। जो पहले उनके जो सहायकों के नाम आ गए उसमें वो नाम था श्रीमला, पुलिस जासूस बन गया क्योंकि वो 150 पाउंड पाने की के लोभ में ये जासूस बन गया। ब्रिटानी शासकों का उपाय काम करने लगा। अंत में लगभग 7,000 पुलिस और थल सेना के सिपाही इस गिरोह को पकड़ने के लिए नियुक्त किए गए। सॉन्डर्स नामक एक अंग्रेजी अधिकारी को उस प्रदेश में भेज दिया गया विशेष रूप से। उसके ही विश्वासघाती गिरोह वाला श्रीमला की मदद से अपनी मां को देखने आते समय उसके घर पर सरदियल और ममले मरिकार को धुनाली बंदूकों सहित गिरफ्तार किया गया। खटखड़ियां डाल दी गईं और जंजीरों में बांध दिया गया। घर को जला दिया सेना ने। सोंडस नामक सरकारी अधिकारी ने किसी सिपाही के बंदूक को लेकर सरदियल के दाहिनी हाथ पर जोर से वार किया। गुस्से में हाथ टूट गया। आप देखिए इस तस्वीर में है, उनका हाथ टूटा हुआ है। वो फांसी दी जाने के एक दिन पहले ये तस्वीर ली गई थी। लेकिन अंग्रेजी कानून के तहत किसी वो इस तरह वो दुर्घटनाग्रस्त माने घायल कोई भी कैदी को फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कानूनी कार्रवाई के बाद 7 मई 1864 में सरदियल और ममले मरिकार को राजद्रोही घोषित कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। नुवर शहर के बोगंबर नामक कारागार के पास भीड़ आने लगी इसे देखने के लिए। पुलिस सेना के अतिरिक्त थल सेना के सिपाही भी भारी संख्या में तैनात किए गए जो कि कोई गड़बड़ न हो। ये दूसरी तस्वीर जो है ये ममले मरिकार उनका विश्वासी सहायक था। उनके साथ अंत तक आदि से अंत तक उनके साथ रहा ये मामले मरिकार। कुछ विद्वानों के कथनानुसार सरदियल केवल एक बटमर नहीं है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठाने वाला एक प्रादेशिक नेता ही है। साधारण लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता इसलिए बढ़ चढ़ गई कि अंग्रेजी शासकों के खिलाफ काम करने के लिए हर वक्त वह आगे आया। उसका विवाह नहीं हो पाया। फिर भी एक श्रीमली नामक गांव की युवती से उसका प्यार था। सरदियल ने एक बार श्रीमली को नाले में नहाते समय मगरमच्छ के ग्रहण से बचाया था। इसी वजह उससे प्यार हो गया। और साथ साथ और एक बात है, मेनका नामक एक मुसलमान महिला के साथ भी उनका संबंध रहा। कुछ लोग इसे लंका के रॉबिन हुड कहा करते हैं। ईजी होब्सवॉन का कहना है, ये उनकी एक किताब है, होब्सवॉन की किताब जो प्रिमिटिव रिबेल्स नामक एक किताब लिखी है ईजी होब्सवॉन ने, उसमें तो दुनिया के वो तमाम ऐसे बटमारों को माने लिटोरियों को यानी ऐसे वो सरकारों के खिलाफ हथियार उठाने वालों को लेकर कुछ शोध किया था। उन्हीं के अनुसार ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुनिया में सामाजिक बटमारपन के सदस्य कहलाते हैं। सामाजिक बटमारपन माने वो उसमें वो समाज से संबंधित है, वो समाज विरोधी नहीं है, वो समाज का विद्रोह नहीं किया, केवल
माने शासकों के खिलाफ ही हथियार उठाए वे, और सामाजिक बटमारपन के सदस्य कहलाते हैं इसलिए क्योंकि ये साधारण लोगों के साथ ही रहे। सरदियल एक सामाजिक बटमारपन भी संभलता था और उसके साथ साथ एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री माने एक लिखित इतिहास भी उनके साथ चलता रहता है, माने चला आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरी ये छोटा सा भाषण सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। रश्मि जी मैंने ज्यादा समय नहीं ले लिया मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा आपका व्याख्यान उपल जी, और आपने श्रीलंका खासकर सिंहली भाषा, जो हम लोग कई नाम थे जो हम लोग अनभिज्ञ ही रहे होंगे लेकिन उनको जाना, और उसके बहाने सरदियल अप्पू जी का नाम लिया, उनके बहाने एक जन इतिहास, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे एक अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं, उनकी चर्चा की और सारी जानकारी दी। खासकर ये जानकारी मिली कि वहाँ पे लोग शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है वो बौद्ध मंदिर में दिया जाता, वो भी रेत पे बैठ के, ये बहुत अद्भुत जानकारी मिली। और श्रीलंका में एक हम लोग भी करीब से देखना चाहते हैं कि कैसे वो ब्रिटिश राज से अलग हट करके अपना कायम किए वहाँ पर, सिंहली भाषा को लेकर के क्या क्या काम हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।